नाम प्रमोद निम्बालकर। बचपन से मुझे डॉग्स यानी हमारे पास में एक तो श्वान होना चाहिए, आज वो मेरा एक शौक था। वो शौक के जरिए चलते चलते मैंने ये जो डॉग्स है, मैं अन्य पाश्चात्य दिशा में देखा है कि जैसे अमेरिका की नेवी सील है या जो टेररिस्ट अफेक्टेड कंट्री, यहाँ पे श्वान जो है वो कितने अच्छी तरीके से सुरक्षा का, एयरपोर्ट हो या तुम्हारे बिजनेस जंक्शन हो, वहाँ पे वो उनकी सेवा देते हैं। तो मैं वो शौक से मैंने ट्रेनिंग डॉग्स को ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया कि जैसे RDX पहचाने, कोई भी खतरे वाली चीज़ पहचाने, ये ट्रेनिंग मैंने शुरू की। उसके लिए मैंने जो रिटायर आर्मी वेटरनरी वेटरनरी कोर्स से जो रिटायर हुए ऐसे दो अफसरों को मैंने लिया। ये शौक चलते चलते फिर मेरे एक ध्यान में आया कि डॉग को रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो मैंने उनके लिए बोर्डिंग और ट्रेनिंग फैसिलिटी पहले शुरू की। किसी भी कारण विदेश जाता था तो ये इंडस्ट्री में देखता था कि वहाँ पे जो पेट स्टोर है वो हमारे आर्मियों से कम नहीं है। डिपार्टमेंटल स्टोर पेट के खाने के लिए, उनके एक्सरसाइज के लिए है। तो मैंने फिर उसकी चयन मैंने शुरू कर दी पेट स्टोर के बाद में। उनका स्पा, ग्रूमिंग, ये सारा हम करते गए। एक शिकायत मुझे हमेशा मिलती थी कि कहीं भी आज श्वान जिनके घर में होता है वो एक घर का मेंबर होता है, यानी उनको छोड़ के लोग कहीं जा नहीं सकते। कहीं फंक्शन में जाना है, कहीं होटल में जाना है, तो कौन से भी होटल में वो उनको अलाउ नहीं किया जाता। बहुत सारे पाश्चात्य देशों में तो ये परंपरा आ गई है, लेकिन अपने यहाँ पे कौन से भी सिटी में एक आध दूसरा अगर होगा तो होगा। तो उसमें मुझे एक अच्छा लगा कि एक ऐसे मेरे मन में कल्पना आई कि ये डॉग सोशलाइज होने चाहिए। जैसे हम आदमी एक समूह में रहते हैं, वैसे डॉग भी समूह में रहने चाहिए। तो वो सोशलाइज कब होगे? जब उनके लिए मिलने की, घूमने फिरने की जगह हो, लीश विदाउट लीश वो घूम सकते, तो ये हो सकता है। जैसे उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने की कई इनकी यानी शौक होता है कि नहीं मैं मेरा डॉग का बर्थडे में सेलिब्रेट करूँगा, जगह कहाँ है। तो पेट कैफे अगर खोलते थे, जब बर्थडे इवेंट उनकी यहाँ पे प्लान की जाएगी तो और भी लोग आएंगे। आपने अगर देखा होगा कि तो खुले में जब जो पेट डॉग होते हैं उनको लेके लीश पर जब चलते तो वो डरे हुए रहते हैं, क्योंकि उनको अन्य कुत्तों से डर लगता है, क्योंकि उन्होंने दूसरे कुत्ते के साथ में रहे ही नहीं होते, वो सिर्फ आदमियों में रहते हैं। तो ये संकल्प से कि मैं सोचा कि नहीं, जहाँ पे सारे डॉग, जिस किसी भी आना है वो अपने डॉग लेके आके यहाँ पे उनके साथ में खाना खा सकते हैं, वो यहाँ पे घूम सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे खेलो, ये कल्पना से ये संकल्पना मेरे दिमाग में आई। ये एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है, यू नो, पेट 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 लवर्स का, और वो लोग दोज पीपल जिनके पास है बेसिकली पेट एट होम। तो हम लोग तो बेसिकली उस चीज़ ने हमें ड्राइव किया जिसकी वजह से हम यहाँ आए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम लोग वी आर रियली वेरी हैप्पी। मतलब आने के बाद यहाँ का जो एम्बियंस है वो बहुत वेलकमिंग है, यहाँ के जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, सर्विस अच्छी है, और इस वजह पेट्स के लिए तो है ही एकदम अच्छी जगह। उसके अलावा यहाँ का जो फूड है उसका फूड का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। हमारे पास पेट है और हम जब भी कहीं जाते हैं तो सोचते थे कि मतलब अपने पेट को कहाँ रख के जाए, लेकिन जब थाने में ये शुरू हुआ है पेट कैफ़े, तो बहुत आसानी मतलब होगी कि हम अपने पेट को यहाँ ले आ सकते हैं। हमने जब यहाँ का मेन्यू कार्ड देखा तो बहुत सरप्राइज हो गए कि जैसे हमारा मेन्यू कार्ड होता है वैसा उनके लिए भी कुछ अलग सा मतलब चीज़ें यहाँ पे बन रही है, और ये हमारे जो पेट्स हैं वो भी यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे लिए भी सुविधा ये हो गई कि हम अपने पेट को हमारे सामने देखते हैं, हम खा रहे हैं, वो हमारे आजू बाजू में खेलेगा, मज़ा करेगा, देखेगा पापा मम्मी भी खा रहे हैं, हम भी खा सकते हैं बोल के। तो ये एक जो पेट कैफ़े हमारा फ्यूजन खुला है, हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया। हम बहुत खुश हैं कि हमारे थाने में ये पहली बार खुला है। ऑल द बेस्ट टू फ्यूजन। थैंक यू।